आज हम स्टफ पनीर चीज़ पेस्ट्री बना रहे हैं। उसमें पहले हम ये 1 कप जितना दूध लेंगे, वार्म मिल्क। इसमें ये 2 टीस्पून या यीस्ट है। वन टी स्पून सॉल्ट है। ये आधा कप फ्रेश क्रीम डालूंगी। आप इसकी जगह एग भी यूज कर सकते हैं अगर आप एग खाते हैं तो। मिक्स कर लेंगे। ये इसमें 3 कप फ्लोर है। ये मिक्स कर लेंगे। आटा सॉफ्ट ही लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। ये इस तरह से इसका आटा लग गया है। नरम आटा चाहिए इसमें। इसमें हम आधा चम्मच सॉल्ट डालेंगे क्योंकि इसमें चीज़ डालेंगे हम, वो चीज़ भी नमकीन होता है, तो इसलिए 1/2 टीस्पून जितना नमक डालेंगे। नमक आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिलाएं। आप जितना इसको मिक्स करेंगे उतना अपना ये पेस्ट्री सॉफ्ट बनेगा। इसको इस तरह से मिला के 1 घंटे के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ग्रीस करेंगे इसको। ऐसे इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। इस तरह से हमारा ये पेस्ट्री डो तैयार हो गया है। अब इसको मलाड़ा देके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तरह से ये मिक्स हो गया अच्छे से। हम इसको बेकिंग ट्रे में फैला लेंगे। ये हमारी बेकिंग ट्रे है। आप कोई भी बेकिंग ट्रे में पार्श्व पेपर भी लगा के फैला सकते हैं। इस तरह से इसको फैला लेंगे। अब मैं इसका स्टफिंग तैयार करूंगी। 1 कप ग्रेटेड चीज़ है। तीनों मिक्स चीज़ है, प्रोसीड मोजरेला और चेडार। ये इसमें 1 कप छेना है
जो मैंने 1 लीटर दूध फाड़ के बनाया है। आप इसमें पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे 1 स्पून जितना, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यह हमारा मिक्सचर तैयार है। इसको एक अच्छा सा बड़ा सा गोला बना लीजिए। इस तरह से इसका गोला बना लीजिए। इसको ऐसे बीच में रख के इसको ऐसे बंद कर लीजिए। इसको अच्छा बड़ा फैला लेंगे। थोड़ा सा तेल डाल लीजिए तो अच्छे से फैल जाएगा ये। ओवन को 400 डिग्री पे गरम करने रख दीजिए। 15 से 20 मिनट में ये ओवन में बेक होके तैयार हो जाएगा। इसको इस तरह से फैला लीजिए। इसको ओवन में बेक करने रखेंगे जब 400 डिग्री पे ओवन गर्म हो जाएगा। दस मिनट में ये इस तरह से सिक गई है। इसको हम दूध से ब्रश करेंगे। इस तरह से दूध को दूध से पूरा अच्छे से ब्रश कर लेंगे इसमें, जिससे वापस अच्छे से लाल सिक जाएगी पूरी। ये हमने जो मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा सा रख लिया था मैंने, वो इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। इस तरह से ये फिर इसको बेक करने रख देंगे। 7 से 8 मिनट में ये बेक होकर रेडी हो जाएगी। इस तरह हमारी ये चीजी पेस्ट्री तैयार हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे, कट करके सर्व करेंगे।
इसमें अच्छे से फीलिंग है, इसमें पनीर और चीज़ का लेयर दिख रहा है एकदम इस तरह से। ये चीज़ी पनीर पेस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से ये हमारी पनीर चीज़ पेस्ट्री तैयार है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा, सबको बहुत पसंद आएगा।